इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से। बहराइच के नवाबगंज इलाके में तेजी से बढ़ रहा नशीली चिप्पड़ का काला कारोबार, पुलिस बनी है अनजान। जिया थाना नवाबगंज इलाके में नशीली चिप्पड़ का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। तो वही चिप्पड़ बेचते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मीडियाकर्मी को देखकर चिप्पड़ की थैली लेकर भाग रहे युवक वीडियो हुआ वायरल। नवाबगंज क्षेत्र में किस तरह से इस नशीली चिप्पड़ ने नौजवानों को अपने चपेट में ले रखा है, लेकिन पुलिस एकदम अनजान बनी बैठी है। नवाबगंज इलाके में चिप्पड़ का काला कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। सस्ते में नशे की लत नौजवानों को बिगाड़ रही है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग पूरी तरह बेखबर हुए है। आखिर देखना ये कि अब नवाबगंज पुलिस क्षेत्र में फैले चिप्पड़ इस अवैध कारोबार को रोकने में कामयाब होता है या नहीं। थाना नवाबगंज इलाके के बसंतपुर कालिका मंगली नाथ मंदिर के पास बताया जा रहा है ये वीडियो। देखिए खास रिपोर्ट। किसकी दुकान है? कौन? यही राजन तिवारी की दुकान। कहाँ रहते हैं राजन तिवारी? बाराबंकी रहते हैं। बाराबंकी रहे, कितने दिन से दुकान खुली? कम से कम एक साल से। एक साल से सरकारी ठेका। इस दुकान पे कौन बैठता है? टेम्परेरी नौकर से चलवा रहे। क्या नाम है नौकर का? मैं नहीं बता सकता हूँ, हम मंदिर पे। अभी जो भागा है वो कौन था? नौकर है। क्या नाम है उसका? मैं नहीं बता। इतने देर से आप बैठ के यहाँ पे पी रहे हो, आपको नहीं पता है कौन है? हम तो पी रहे हैं। फिर बताइए तो हम नाम नहीं पता है आपको? हमको नहीं पता है, हम बाहरी आदमी हैं। बाहरी हैं? कितने साल से रहते हैं मंदिर में? लगभग 15 साल। 15 साल से? 15 साल से आपको जानकारी नहीं हुआ? हम कभी आज चार दिन का आदमी आए, मोहल्ले का पता चल जाता है, आपको नहीं पता चलता है ना?